नमस्ते, मैं राशिद। पीओके में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वजह है झेलम और नीलम नदी पर बनने वाला बांध पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर, आतंकियों का बड़ा ठिकाना। पीओके कश्मीर की आजादी का राग अलापने वाले पाकिस्तान का असली चरित्र उजागर करने वाला पीओके। आज हम आपको उस पीओके की ऐसी दास्तान सुनाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जेहाद के बदले जिस्म की डिमांड, पीओके के बलात्कारी बंकर एक्सपोज। पाकिस्तान की रेपिस्ट आर्मी पीओके में हर लड़की सहमी। आजादी के नाम पर अश्लील धंधा, इमरान ने किया पीओके को गंदा। बाजवा की बलात्कार ब्रिगेड, पाकिस्तान का चरित्र डिग्रेड। पीओके का सबसे बड़ा खुलासा, जिस्म के लुटेरों की जन्नत। पीओके पाकिस्तान की सेना और आतंकियों की दरिंदगी का गवाह है। पाकिस्तान की सेना वहां रहने वालों के साथ ज्यादती करती है, महिलाओं के साथ बलात्कार करती है और आतंकी जिहाद के नाम पर महिलाओं को सेक्स रैकेट में शामिल करने में जुटे हैं। पाकिस्तान के चरित्र को उजागर करने वाली ये खौफनाक, खतरनाक रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान के आतंकी समूह जमात उद दावा का नेता सैयद जमीर बुखारी है। ये मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी है। वीडियो में बुखारी के साथ एक महिला दिखाई दे रही है। बुखारी उस महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है। अब इस शख्स का असली धंधा क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल सैयद जमीर बुखारी पीओके में सेक्स रैकेट चलाता है।
आजादी के नाम पर ये भोली भाली मासूम लड़कियों को परगलाता है, जो नहीं मानती उसके परिवार को डराता धमकाता है और फिर उन मासूम लड़कियों को ये पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों और हुक्मरानों के पास भेज देता है। पाकिस्तान का जो आर्मी और ISI है वो बिल्कुल ही एक, मैं कहूंगा कि दुर्दर्द दस्यों से कम नहीं है। पाकिस्तानियों ने POK में और गिलगित बाल्टिस्तान के निवासियों को एक तरह से अपना गुलाम बना के रखा है, दास की तरह से उनको ट्रीट करते हैं। उनके वहां पर कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान उनको अपना मानता नहीं है। चला रही है और अगर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो सीधे मौत को गले लगाने जैसा होगा। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ना तो पुलिस POK में कोई कार्रवाई करती है और ना ही किसी अदालत में सुनवाई होती है और पाकिस्तानी सेना को मिली इसी छूट के कारण पाकिस्तानी सैनिक धड़ल्ले से इस खेल को खेल रहे हैं। POK में कैसे सफेद पोश नेता, रसूखदार लोग और सेना के जवान महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और कैसे बलात्कार पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं होती, इसकी वानगी है POK में बलात्कार की शिकार हुई इस महिला की आप भी थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया ताहिर है, मेरा ताल्लुक भिमर आजाद कश्मीर से है। मैंने गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा बराए तवान जैसे अजाब झेले हैं। 2015 से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। मेरे मुलजिमान में हारून रशीद, मामून रशीद, जमील शफी, वकास अशरफ, सनम हारून और 3 नामालूम शामिल हैं। पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस पंचायत के हवाले कर देती है। पंचायत जिसकी लीडिंग आज़ाद कश्मीर का सीनियर वजीर चौधरी तारिक फरूक का भाई और बहनोई करता है। 19 दिन तक पंचायत चलती है। मुलजिमान मानते हैं कि हमने सब कुछ किया, उसके बावजूद पुलिस और पंचायत हमसे इन 3 जराइम का गन पॉइंट पे राजीनामा लिखवा लेती है। दोबारा पुलिस के पास जाती हूँ तो पता चलता है कि FIR तो हो गई, एक नहीं दो दो, एक मेरी तरफ से और दूसरे मुलजिमान को तहफ़ फ्राहम करने के लिए पुलिस खुद से काटती है। मेरी FIR को खारिज कर दिया जाता है और मुलजिमान के तहफ़ के लिए काटी गई कमज़ोर सी FIR को रख के उसके मुताबिक सिर्फ 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाता है। इस बलात्कार पीड़ित लड़की ने POK में होने वाली दरिंदगी के खिलाफ जब आवाज उठाई है तो इसकी आवाज को कुचलने के लिए कई बार कोशिशें की गई हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ने इसे कहा कि तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हें बलात्कार का बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए तुम केस वापिस ले लो। POK में महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादतियों की एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियां हैं। POK की रहने वाली सूफिया नाम की एक महिला ने खुलासा किया कि उसे कुछ सफेद पोश लोगों ने बलात्कार का शिकार बनाया। उसने आवाज उठाई तो उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। सरकार और कानून ने साथ नहीं दिया, लिहाजा उसने इस अपमान के घूंट को पीकर चुप रहना ही बेहतर समझा। POK में बलात्कार करने वाले या तो सेना से ताल्लुक रखते हैं या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जरा पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी एक खबर को सुनिए। खबर के मुताबिक POK में रहने वाली नसरीन नाम की एक महिला गोलीबारी के दौरान बंकर में अपनी 13 साल की बेटी के साथ छिपने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन उसे क्या पता था बंकर में हैवान बैठा था। POK में खुलेआम बलात्कार की वारदातें हो रही है। आतंकी डरा धमका कर या फिर आजादी के नाम पर परगला कर सेक्स रैकेट चला रहे हैं। सेना और सफेद पोश नेताओं की शय उन्हें मिली हुई है। पुलिस और अदालत POK में बलात्कार का शिकार बनी महिलाओं की सुनवाई नहीं करती। ऐसे में POK महिलाओं के लिए जन्नत का वो जहन्नुम है
जो खूबसूरत दिखता है लेकिन उसकी कहानी उतनी ही खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान दुनिया भर में मानवाधिकार का राग अलापते फिरते हैं, हिंदुस्तान को भी मानवाधिकार पर ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हो क्या रहा है उन्हें बिल्कुल नजर नहीं आता। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है, पाकिस्तान में महिलाओं को जिंदगी जीने का हक नहीं मिलता, लेकिन इस पर भी इमरान खान आंखें मूंदे बैठे हैं। आज पाकिस्तान का एक डरावना सच सामने आया जिसे देखकर आप भी कहेंगे कुछ तो शर्म करो पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्यार के नाम पर हो रहे कत्लेआम की यह रिपोर्ट आपको चौंका देगी। छोटी छोटी बातों पे मतलब लड़की लड़के से बात कर ले तो लोग कत्ल कर देते हैं। हर एक माह के बाद कोई ना कोई भाई बहन को मार देता है। गैरत के नाम पर कत्ल, ये जुमला आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अफसोस इस पर बात करने वालों पर हमेशा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल करने की रस्म सालों पुरानी है और पाकिस्तान में ये रस्म दिन ब दिन पनपती ही जा रही है। झूठी शान में बहन, बेटी, पत्नी और तो और माँ को भी पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी से भी दुश्मनी निकालनी हो मोहरा महिलाओं को बनाया जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस रस्म को कारोकारी का नाम दिया गया है। कभी बहन तो कभी बेटी को इस रस्म की भेंट चढ़ा दिया जाता है, तो कभी बीवी को और कभी कभी माँ के रिश्ते के रुतबे की भी शर्म नहीं की जाती। हिंदुओं पर जुर्म ढाने वाला पाकिस्तान अब महिलाओं पर कहर ढाने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों लोगों को कारोकारी के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का राग अलापने वाले इमरान खान को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में महिलाओं की हत्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं।